मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिलफाटा पेट्रोल पंप पर दोपहर के वक्त एक ऑटो रिक्शा का सीएनजी सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग लग गई, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला पूरी तरह से झुलस गई है और 2 व्यक्ति झुलसे हैं और 2 ऑटो रिक्शा भी जल गया है। गनीमत रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता। आपको बता दें कि शीलफाटा से महापे रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक पेट्रोल पंप है और सीएनजी भरने के लिए लाइन में खड़े एक ऑटो रिक्शा में सीएनजी सिलेंडर से गैस लीकेज हो रहा था और ऑटो रिक्शा ड्राइवर सिलेंडर की लीकेज चेक कर रहा था। तभी अचानक से सिलेंडर से ज़्यादा मात्रा में गैस बाहर निकलने लगा और आग लग गई, जिसमें 2 ऑटो रिक्शा इसकी चपेट में आ गए और एक रिक्शे में एक महिला यात्री बैठी थी जो गंभीर रूप से झुलस गई है, साथ ही 2 और व्यक्ति घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से इस आग को बुझाया है। एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।